टू अनदर गेमप्ले वीडियो ऑफ पेल वर्ल्ड। और जैसे कि तुम लोग देखते आ रहे हो कि पिछले कई एपिसोडों से मैंने बहुत सारे पेल्स पकड़े, मैंने बहुत सारी प्रोग्रेस करी, बट मैंने कोई भी बिल्ड नहीं बनाया है। तो आज मैं बनाने वाला हूँ एक तगड़ा फार्म जिसके अंदर फार्मिंग, ब्रीडिंग, अनलिमिटेड वुड, अनलिमिटेड स्टोन और साथ ही साथ केक बनाने की सारी चीजें अपने को एक ही जगह मिलने वाली है। तो लेट्स ट्राई, देखते हैं फार्म सक्सेसफुली बन पाता है या फिर नहीं, लेट्स गो। बट गाइज, इन सब चीजों को बनाने के लिए मेरे को बहुत सारा आइटम चाहिए होगा और बहुत सारे आइटम में भी मेरे को मेनली वुड चाहिए होगा, जो कि मेरे पास अच्छा खासा है, बट आज के दिन वो कम नहीं पड़े तो ही अच्छा है। 99991 और इसके अलावा अपने बेस पे वुड ही नहीं है। ओके, नहीं है 157, ये और है अपने पास यार, बट इतने में मुझे लगता नहीं है काम चलेगा। भाई तुम लोग जल्दी जल्दी तोड़ो और रुक जाओ, इस वाले बेस पे मैं वुड फार्म और लगवा जाता हूँ 2-4, और वुड काटने वाले लोग भी लगवा देता हूँ, जिससे कि अपने को अनलिमिटेड वुड मिलती रहे जब तक अपना बेस बन रहा है। बाकी बेस पे फिर ये सारी चीजें लगने वाली, तुम देखते जाओ बस। और वुड सबसे अच्छा बुशी वगैरह काटते हैं, एक सेकंड को देखने दो। और बुशी मैंने लगवा कहाँ रखा है, वेर इज माई ऑल बुशी, वैसे दो ही होने चाहिए मेरे पास बुशी। और ये रहे, ये देखो इनकी वुड कटिंग लेवल 3 है, तो सबसे पहले इसको रखवाओ और इसको भी रखवाओ, इसकी वुड कटिंग लेवल 2 है, इसको भी रखवाओ, इसको रखना है भाई। वुम्पो बहुत बढ़िया पेड़ काटता है, अभी मेरे को चाहिए थोड़े बहुत और वुम्पो जो कि बहुत अच्छा पेड़ काटते हैं। ओके, हाथी भी पेड़ अच्छा काटता है भाई। और इन सब के लिए मैं थोड़ी बहुत और वुड फार्म बना के जाने वाला हूँ जो कि लॉगिंग साइट है। ओके, एक यहाँ बनवाने वाला हूँ मैं, एक बनवा देते हैं इधर एंड एक इधर, और ये रांच भी मैं हटाने वाला हूँ क्योंकि ये भी अपने उस फार्म पे लगने वाला है, इसकी जगह भी मैं लॉगिंग साइट लगवा देता हूँ एक और। मेरे जहां तक इतनी काफी होनी चाहिए, फटाफट से चलते हैं और इनको बिल्ड करवाने के लिए एनुबिस वगैरह छोड़ते हैं 2-3, बाकी ये वुम्पो वगैरह बना देंगे यार, इनने बना दी ना लॉगिंग साइट। अबे इतने सारे हाथी हो गए मेरे यहाँ पे, एक तो कुछ दिख नहीं रहा है भाई, वुड काट रहे, सब वुड काट रहे भाई। चलो बढ़िया बात है, इनको मैं सेट कर जाता हूँ सिर्फ वुड काटने पे और हार्ड वर्क पे सेट कर देता हूँ, जिससे कि ये जल्दी जल्दी वुड काटे, बाकी काम नहीं करेंगे। ओके, मैंने इन सबको सिर्फ वुड काटने पे लगा दिया है, अभी मुझे ये देखना है कि मैं इतनी सारी वुड फार्मिंग बेस तक लेके कैसे जाऊंगा, बट कैसे भी करके लेके तो जानी पड़ेगी। ओके, मैंने सारी वुड ले ली है, यहाँ की सारी वुड ले ली है, और फालतू का आइटम है जो कि मैं निकलवा देता हूँ, इसे पिछले एपिसोड में लाया था भाई, मैं कितना सारा आइटम लेके आया था देख रहे हो तुम। चलो छोड़ो ये चीज, मैं चलता हूँ अपने फार्मिंग वाले बेस पे, सबसे पहले मेरे को सारी वुड रखवानी है वहाँ पे, तो लेट्स गो। ये बेस बहुत तगड़ा होने वाला है भाई, और उसकी थोड़ी सी झलक तुम ये देख लो, मैं ऑफलाइन में ट्राई कर रहा था कि मैं इस बेस को कैसे रेडी करना है, तो आज ये बनने वाला है मल्टी स्टोरी। और एक सेकंड रुको, अभी बताऊंगा, पहले मेरा भारी वजन, अरे वजन बहुत भारी हो रखा है, हट जा मेरे सामने से, हट जाओ, लेट्स गो। इसके अंदर अरे वुड डालो, बट वुड डली नहीं पाएगी, बहुत सारा सामान है। डन, मैंने अपनी वुड इसके अंदर डलवा दी है, अभी मुझे ये सारी चीजें हटवानी है यहाँ की, बट यार ये सारी चीजें मैं हटवाऊंगा फिर वापस से मेरी इन्वेंट्री भर जाएगी, क्यों ना मैं 2-4 एनुबिस उतरवा दूं यहाँ पे, जिससे कि वो ले जा के सारा सामान ट्रांसपोर्ट कर देंगी। एक एनुबिस ये रही, एक और, चलो डन, इनको कमांड दे देता हूँ। अबे इनका कमांड बॉक्स कहाँ गया, एक सेकंड भाई, इनका मैंने कमांड मॉनिटरिंग स्टैंड बनवाया तो था, पता नहीं कहाँ गया। ये फटाफट से बनाते हैं और इसके अंदर इनको भी सेट करते हैं सुपर हार्ड वर्क पे, और इन सबको ट्रांसपोर्ट पे लगाते हैं भाई। डन, मैंने सबको ट्रांसपोर्ट पे लगा दिया है, ये एक एक करके सारा सामान रखते जाएंगे और मैं एक एक करके सारा सामान तोड़ता जाता हूँ। अबे नहीं यार, देखो 2-4 तोड़े उतने में मेरा बैकपैक फुल हो गया, रुक जाओ मुझे सारा सामान बाहर निकालने दो, ये सारा सामान मुझे अपने मेन बेस पे खाली करके आना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, मेरे को यहाँ एक चेस्ट बनवानी पड़ेगी और काम हो जाएगा। डन, मैंने अपना सारा आइटम बाहर निकलवा दिया है, कुछ और बचा हुआ है ये भी निकलवाते हैं, लेट्स गो। इनके लिए सबसे पहले मेरे को एक चेस्ट बनवानी है यार, इसी में रखते जाने भाई, ये लोग 3 चेस्ट है यहाँ पे कुल मिला के, और इनने इसमें सामान फिट कर दिया, ये कहाँ लेके जा रहे हैं। अबे उधर किसने चेस्ट लगाई है भाई, अबे एक सेकंड रुको, मुझे एक बड़ा स्टोरेज लगवाने दो यार, इसके लिए रिफाइंड इंगट चाहिए ना, बट ठीक है, मुझे रिफाइंड मेटल चेस्ट लगवानी है, उसके लिए मुझे पहले जाना पड़ेगा मेरे और फार्म पे। यहाँ क्या चल रहा है भाई लोगों, बताओ, रुक जाओ, इन लोगों ने क्या कर रखा है भाई, गुड़ गोबर कर रखा होगा सारा, अच्छा थोड़ा बहुत तो है। डन, इनने अच्छा खासा कोल और ओर तोड़ रखा है, इनको लेते हैं, और ये सारे भी वीक डिप्रेस, भाई क्या चलता रहता है इन लोगों का मुझे नहीं पता, छोड़ो, अभी आज के दिन मैं सिर्फ फार्म बनाने पे फोकस करने वाला हूँ, इन सबको देखेंगे बाद में। चलो भाई जल्दी जल्दी चलो, इसके अंदर ये रखवा देते हैं, और इधर मेरे को यार अब वो पैल भी छुड़वाने पड़ेंगे, जिससे कि मेरा ये काम तो हो, या फिर ये काम तो मैं भी करवा सकता हूँ, लेट्स गो, लग जा भाई इस पे आग। अबे कहाँ जा रहा है, अच्छा इस पे आग लगाओ तुम। ओके डन गाइस, अपना जर्मन ट्रेड इग्नेस काम करने लग गया था, और चलो ठीक है, अभी मेरे को सिर्फ नेल्स बनवानी है तो मेरा काम हो जाएगा। नेल्स कहाँ है भाई, जी जी थोड़ी बहुत नेल्स बनवाते हैं, एंड लेट्स गो, मेरी मेटल चेस्ट बन रही है, इसको मैं यहीं बनवाने वाला हूँ और फिर यहाँ से तोड़ के अपने घर पे लेके जाऊंगा, लेकिन अरे इसको कोई बनवा दो, अरे अरे सारे गंदे लोग हैं भाई, हट जाओ। बताओ भाई कितने बुरे दिन आ गए, कोई काम कराने वाला बंदा भी नहीं है मेरे पास, इससे काम कराना पड़ेगा मेरे को, चल भाई कर कुछ तो कर, अरे सब भूखे पड़े हैं क्या, देख देख
देख देख देख देख देख एक मुर्गी के पीछे पड़ा। अरे मुर्गी कह रहा हूँ मैं, भेड़ बकरी भी नहीं है, भेड़ भी नहीं, भेड़ शीप, शीप होती नहीं शीप, क्या पता छोड़ो मुझे काम करने दो। अरे इधर आजा मोटे मोटे, इधर जे बात हट। वैसे अगर इसको मैं कैंसिल करा दूं तब भी तो आइटम मेरे अंदर आ ही जाएगा। अरे यार इतनी बुद्धि क्यों लगाता हूं मैं। चलो लेट्स गो, फटाफट से चलते हैं अपन वापस अपने फार्म पे। और मुझे यहाँ ये देखना है कि इस मेटल चेस्ट में कितना आइटम रख सकते हैं अपन। मेरे को एकदम कोने में जाने दो क्योंकि यहाँ मैं लगवाने वाला हूँ इसको, वरना बाद में बेस बिल्ड करने में दिक्कत आएगी अपने को। इसको अपन यहाँ यहाँ लगवा देते हैं। लेट्स गो भाई लोग बाग, आ जाओ थोड़ी मदद करा दो सालो, सारे के सारे ट्रेवल में लगे हुए। ले भाई तू इस पे काम कर, तू अच्छा आदमी तू काम करेगा। चलो जब तक ये लोग काम कर रहे हैं जब तक मैं इधर से एनुबिस ले आता हूँ और एनुबिस काम कराएगी अब मेरे साथ। चलो लेट्स गो, 10 सेकंड में बन जा रहा है भाई। अगर इस चेस्ट को बनवाने का कोई फायदा नहीं हुआ ना तो भाई मेहनत बेकार है भाई। रुक जाओ, ओके इन 3 2 1 भाई ज्यादा एरिया है। और इन लोगों ने सामान रखना भी चालू कर दिया। रुक जाओ भाई, रुक जाओ एक सेकंड रुक जाओ, इतनी क्या जल्दी कर रहे हो, इनको भी रखना है तुमको। जाओ रखो बेटा, अब तुम सारा सामान रखो यार, मुझे और भी बहुत काम करना है। ये भी तोड़वाते हैं और अब इनके पाल बेड्स भी तोड़वाने पड़ेंगे यार। बट इनके पाल बेड्स तोड़ते ये सारे गुस्सा हो जाएंगे, काम वाम करेंगे नहीं। पाल बेड सबसे लास्ट में तोड़ेंगे क्योंकि मुझे पूरे पे फ्लोरिंग करनी है। ये रूफ बना किसने रखी भाई पीछे। चलो यार कितने सारे फार्म से इनको भी तोड़ना है अभी, रुक जाओ। ओके इस लाइन के मैंने सारे फार्म तोड़ दिए, अब इधर चलो 1 2 3 4 5 भाई देख रहे हो कितनी जगह हो गई है इसके अंदर। और मैंने अपनी सारी वुड वगैरह कहाँ रखवाई थी, मैं जो 1001 वुड लेके आया वो कहाँ। ओ शिट, वो इसके अंदर पड़ी होगी यार। ये कैसे रखेंगे ये लोग बाग, रुक जाओ मैंने ये सारी चीजें खुद ने उठा ली है। अभी चलता हूँ उधर की साइड। अरे हटो सामने से, हट जाओ। चलो मैं आ गया हूँ, बहुत वजन है भाई इसके अंदर। ये रही सारी वुड, ये रही, लेट्स गो मैंने सब रखवा दिया। अभी एक और चेस्ट बच रही, शायद नहीं चेस्ट नहीं ये बच रहे, इनको भी तोड़ो और इनको भी डालो इसके अंदर। लेट्स गो, बहुत सारी वुड हो चुकी है भाई। ठीक है 181 ब्रेड बन रही है। एक जर्मन रेड छुड़वाना पड़ेगा मेरे को यहाँ, जो कि यहाँ पे थोड़ा बहुत काम कर दे। डन, इसके अंदर इनका खाना है कितना है, खाना भी खूब रखा है यार। और इतनी सारी वुड इन लोगों ने काट के रखी है, चलो बढ़िया बात है, यहाँ पे पेड़ वगैरह नहीं है। और ये पत्थर मुझे तोड़ना पड़ेगा क्योंकि इसकी जगह पे फाउंडेशन आने वाला है। अभी मेरे को एक कोने से बनवाना चालू करना चाहिए या फिर कहीं से भी बनवाना स्टार्ट कर दूं यार, मेरे को ये समझ नहीं आ रही। रुक जाओ इसको और तोड़ने दो। ओके डन, ये भी टूट गया है। अभी मेरे को यार ये स्टोन निकालना पड़ेगा बाहर, स्टोन और वुड बाहर निकाल देता हूँ। अभी यहाँ से अपन फाउंडेशन बनवाना चालू करते हैं। कहाँ गया फाउंडेशन, ये रहा। और वुड का ही फाउंडेशन बनवाने वाला हूँ मैं क्योंकि यार इतना स्टोन मैं नहीं लगा सका। वुड ठीक है और यहाँ से एकदम सीधा, ठीक है डन। अरे यार ये पेड़ वापिस उगते जा रहे हैं, पेड़ काटो, पेड़ उगने नहीं चाहिए यहाँ। रुक जाओ डन, एक यहाँ लगेगा इसके साथ में, अब सीधा सीधा लगता रहेगा। बट यार ये कुछ ज्यादा वो नहीं हो गया, रुको रुको रुको, ये दूर हो जाएगा, अपना बेस छोटा कर देगा यार। मुझे बहुत सोच समझ के लगाना पड़ेगा, अगर मैं इसको अंदर ऐसे लगवा दूं तो ये कुछ ज्यादा अंदर हो गया, नहीं ये भी काम नहीं चलेगा। रुक जाओ मुझे यहाँ लगवाना पड़ेगा ऐसे। यार ये सामान उठाओ भाई तुम लोग बाग, यार क्या कर रहे हो यार, ऐसे मत करो ना, ये सही रहेगा मेरे जहाँ तक, ये वाली जो लाइन है ना। अरे गाइस ये लोग कुछ काम नहीं कर रहे हैं। डन, मैंने एक ये लाइन बनवा दी है और ये लाइन ही सीधी ऐसे जाने वाली है। ये देखो भाई ये एकदम कॉर्नर बन गया है बहुत बढ़िया तरीके से। अभी मैं पूरे पे लगाने वाला हूँ। डन, फाउंडेशन पे फाउंडेशन लग रही है, बस वुड कम नहीं पड़ जाए मैं इतना चाहता हूँ। लेट्स गो भाई, ये देखो कितना बड़ा एरिया हो जाएगा क्योंकि पहले यार यहाँ पे पेड़ वगैरह लगे रहते थे ना, आधा एरिया तो वो ही खा जाते थे। अब पेड़ वगैरह कुछ नहीं आएंगे इस जगह पे, अपने को सिर्फ और सिर्फ फार्म बनाने की जगह मिलती रहेगी। यार इनका ये फूड वाला बॉक्स भी उठाना पड़ेगा, फिर ये लोग गुस्सा हो जाएंगे। कोई बात नहीं, अब गुस्सा हुए चाहे कुछ भी हो, अपना काम हो गया है। बस 2 मिनट और, मेरे को ये पाल बॉक्स भी उठाना पड़ेगा क्योंकि मुझे ऊपर लगाना है, इसके मील भी उठानी पड़ेगी। लो भाई मील का सामान, लो सारे लोग इधर मील का सामान ट्रांसपोर्ट करवाओ। चलो आज की रात ऐसी पहली रात होगी जो कि मैं अपने किसी और बेस पे सोने वाला हूँ क्योंकि अभी तक यार मैंने सिर्फ अपने बेस पे सोया हूँ मैं, और दूसरे बेसों पे मैं सोया नहीं है। देख रहे हो तुम कितना बड़ा काम करूंगा। चलो सारा काम हो गया, एक बार अगर यहाँ भी ये लग जाए तो मजा आ जाए। इस पेड़ को काट के देखना पड़ेगा, पेड़ कट गया है, बस ये फाउंडेशन लग जाए, ठीक है डन, सही है भाई। ये देखो तुम एरिया देखो। पहले यार मैं एक काम करता हूँ, बेड लगाता हूँ अपना। अच्छा उसके लिए वूल नहीं है यार, अब इतनी रात में तो मैं वूल कहाँ से लाऊंगा। गाइस ये वो रात नहीं होने वाली जिस रात में यहाँ सोऊंगा, बट हाँ एक ऐसी रात आएगी जिस रात में मैं यहाँ सोऊंगा। अभी ना सो रहा मैं, अभी घर चलूं। गुड नाइट गाइस। लेट्स गो भाई, ये एरिया खाली रह रहा है, इसको भी बनवाओ। अरे हट जा जर्मनोटाइड, इनको हटाओ भाई, ये और हटवा दूं इन सारे पेल्स को, क्योंकि इनका काम कंप्लीट हो गया मेरे जहाँ तक। कुछ बचा तो ओके, बचा हुआ तो है, ट्रांसपोर्ट वाले लोग छुड़वा दूंगा 2-4, बाकी सबको मैं अंदर रखने वाला हूँ। जाओ चलो, 3 एनुबिस छुड़वा रखे हैं सिर्फ मैंने, और ये क्योंकि इधर बहुत सारा आइटम पड़ा यार। रुको भाई एनुबिस जल्दी जल्दी काम करो तुम लोग, जब तक मैं भी काम कर रहा हूँ। ओके अभी इनका टाइम आता है बेड उठाने का, और लेट्स गो।
सारे बेड्स मैंने उठा दिए, चलो अब मेरे को कमांड बॉक्स भी तोड़ना पड़ेगा। और भाई इन पेड़ों के ऊपर बन जा रहा है फाउंडेशन, मैंने फालतू में पेड़ कटवाए, बट नहीं यार पेड़ कटवाने पड़ेंगे एट लास्ट, क्योंकि पेड़ों की वजह से ना बहुत एरिया भर जाता है, पेड़ नहीं रख पाएंगे अपन अपने यहाँ पे। और अब तो ये चेस्ट भी उठानी पड़ेगी यार, ऐसे कैसे स्क्वाट अप साले, काम कर भाई। बस ये एरिया बच रहा है, बाकी पूरे एरिया पे मैंने फाउंडेशन लगवा दिया है। अभी मेरे को एक साइड से छत बनवाना चालू करनी है, उससे पहले जितना एरिया बच रहा है इसको और लगवा देता हूँ मैं यहाँ पे। डन, सही है, अपन लगवाना चालू करते हैं। अच्छा, लगवाने से पहले एक काम और करते हैं, इन पेड़ को काट देते हैं यार। डन, मैंने सारे पेड़ काट दिए, बस ये एक पेड़ लगा हुआ है, ये अच्छा लग रहा है, इसको लगे रहने देते हैं। चलो भाई लेट्स गो, अभी इसको उठा के। मिशन कंप्लीटेड, पाल बॉक्स अपग्रेड अवेलेबल। अच्छा, अरे मैंने पाल बॉक्स के लिए वो डिफाइंड मेटल चेस्ट लगवा दी ना। सही है भाई, अभी मुझे ये तोड़ना है और उसी के साथ साथ ये भी तोड़ना है, सारा सामान इधर उधर फैल जाएगा यार। रुक जाओ, एक काम करने दो, पहले ना मुझे ये तोड़ने दो जिससे ये लोग सामान ले जाके। ओ शिट, मैं क्या ऊपर वहां तक जा सकता हूँ? अबे जा, ओके, आधी दूर तो पहुंच गया हूँ इसमें, और थोड़ा बहुत चल के मैं इसके पास आ गया हूँ। बस लेट्स गो, इसके अंदर ये सब सामान रखवा देते हैं। भाई देखो, पूरा इस एरिया का सारा सामान इसके अंदर आ गया है। अभी मेरे को पेल बॉक्स तोड़ना ही पड़ेगा, बस ये थोड़ा बहुत सामान ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ठीक है छोड़ो, इनका ट्रांसपोर्ट गया बाहर में। अभी मैं इसको तोड़ता हूँ और अपनी फाउंडेशन लगवा देता हूँ। फाउंडेशन लग रहा है, अबे ये कहाँ से है राहुल तेरे, ना ऐसा तेरी ऐसी धजिया उड़ाऊंगा मैं। देख, गुस्सा हो गया। इसको यहाँ लगवाते हैं जहाँ पहले लगा हुआ था, ठीक है। क्या ये एकदम प्रॉपर लोकेशन पे है? नहीं यार, ये ना थोड़ा बहुत पहाड़ के अंदर जा रहा था, और मुझे इसको थोड़ा, अभी मेरे को इसको एक बार कैंसिल करवाना है, और इसको थोड़ा सा ना और इधर बनवाना है। इसको बना के देखते हैं, देखो अभी क्या एकदम परफेक्ट है, थोड़ा बहुत जा रहा पहाड़ों में, बट जितना अपने को काम आने वाला है उतना प्रॉपर, देखो प्रॉपर लोकेशन पे है ये। लेट्स गो, चारों तरफ से देख लेते हैं अपन। इस साइड में थोड़ा बहुत बाहर जा रहा है, कोई बात नहीं इतना चलेगा। और अभी मेरे को रूफ लगवानी है, और इस वाले बेस पे रूफ लगेगी थर्ड फ्लोर पे, और उसके बाद से सेकंड फ्लोर पे अपन रूफ लगवाएंगे, क्योंकि इस फ्लोर पे होगी अपनी फार्मिंग और ऊपर वाले फ्लोरों पे होगी अपनी ब्रीडिंग वगैरह, सारा काम होगा। तो सबसे पहले अपन कुछ वॉल्स लगवाते हैं, एक साइड लगवानी पड़ेगी बस वॉल मेरे को, इधर की साइड लग जाएगी ना ऊपर तक, नहीं इधर लग जाएगी, ठीक है डन। मैं ऊपर तक वॉल लगवाता हूँ, अभी यहाँ नहीं लग रही है, कोई बात नहीं मत लगने दो, इधर तो लगवा दे। वे साइड में नहीं लगा सकते क्या? अच्छा साइड में नहीं लगा सकते होंगे, ओके जा रही है थर्ड फ्लोर तक तो चली गई है, हो गया ये सिक्स, हो गया ये सेवन, ओह गिर गया। अभी मुझे डायरेक्ट ऊपर जाना पड़ेगा वरना मैं फिर गिर जाऊंगा। अबे ये रेड किसने करी है भाई, कौन लड़ेगा अभी? कोई नहीं लड़ने के लिए तुम्हारे फाउंडेशन कहां से ले रहा हूं मैं। चलो कोई बात नहीं, इनको आने दो, देखी जाएगी। अरे यार अब ये देखो ये कहीं ना कहीं से तो अड़ रहा है, ये थोड़ा सा पहाड़ से अड़ रहा है यार, कोई बात नहीं जितना बन गया उतना तो बनवाऊं मैं। कूद गया मैं नीचे, और ये कहां से आ रहे हैं लोग? ओके पीछे से आ रहे हैं भाई, मैं अपना काम करता रहता हूं, देखेंगे इनको बाद में। मुझे लगवानी अब रूफ, वो भी थर्ड फ्लोर पे, क्योंकि जो जर्मनोटाइड है ना गाइस वो भाई बहुत लंबा है, तो उसके लिए इतना एरिया चाहिए अपने को। और ये देखो, अरे मार मार मारियो, इन्हें मारियो, सही टाइम पे छोड़ दिया। अरे शिट 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 शिट, बताइए इनको कौन है? पापा, ओ ओ पापा, ओ शिट ओ शिट ओ शिट ओ शिट, मर गया अबे मर गया यार मैं। मार लो सालो। और ये आग अलग से लगा दिए भाई नीचे, अबे नहीं ये पूरा जल जाएगा क्या? अबे शिट भाई, रुकना इनकी मैं ऐसे करवाऊं, रुकना बेटे। पापा लोग रख रखे मैंने, ठीक है मेरे से बकवास तो क्या ही करोगे तुम, मेरे को तो फिर भी मार दिया भाई। ये देखो इस चीज के एनर्जी कम होती जा रही है यार नीचे वुड की। यार फाउंडेशन कहीं मैंने ये गलत तो नहीं बनवा दिया? मेरे को डिफेंस वॉल बनवानी पड़ेगी जिससे लोग बाग नहीं आ पाया। अबे मैं कहां आ गया, इन लोगों को तो इनने मार दिया होगा। बट गाइज ये देखो, अबे नहीं शिट भाई, ये देखो अभी ये टूटने वाला है, ये वाला टूटने वाला है, और ये गया, अभी ये दोनों टूटने वाले हैं। और ये लोग पानी डाल रहे हैं भाई, सही है अगर बेस पे लोग बाग रहेंगे ना तो नहीं टूटेगा। ठीक है अभी क्या है, कोई भी था नहीं, इस चक्कर से टूट गया पूरा बेस अपना। और इनको रिपेयर कराने का कोई ऑप्शन है? पता नहीं गाइस इनको रिपेयर कराने का कोई ऑप्शन है कि नहीं है। जिस टाइम पे टूट जाएंगे पूरे उस टाइम पे अपन वापस लगवा देंगे इनको बाद में। अभी किससे लड़ रहे हो तुम लोग, कौन बच गया है? भाई देखना कितनी आग लगा के गए लोग, ये लोग पूरा फाउंडेशन खराब कर दिया इन लोगों ने। ये कौन है? अबे दोबारा रेड हो गई है क्या? बस करो, इतनी तो वुड भी नहीं है मेरे पास। ये एक आदमी देखना ये आदमी घूम रहा है। अच्छा ये तो अपना ही बंदा है, इसको मैंने पकड़ के लाया था, इसको शायद मैंने बाहर उतार रखा है। चलो भाई जाओ तुम लोग अंदर जाओ, तुम्हारा अभी कोई बाहर कोई काम नहीं है। अरे यार ये वुड कब तक जलती रहेगी, जब तक पूरी खत्म नहीं हो जाती? कोई बात नहीं देखी जाएगी भाई ये चीजें। मुझे अपना बेस रेडी करना है, इन सबको अंदर डालते हैं। लेट्स गो, फैन ग्लोब पे बैठो और ऊपर की साइड चलो, और यहाँ उतार दे भाई, यहाँ उतार दे, बस सही है। अभी मुझे रूफ ही रूफ लगवानी है लाइन से, सही है। लेट्स गो गाइस, बस ऐसे करके मेरे को सब जगह रूफ लगवा देनी है। और कहां तक लग रही है? अबे बेस से भी कितना आ गया, लेकिन क्या पता गाइस इस पे लोग
बाग काम करेंगे या नहीं करेंगे। उई, गिर जाऊंगा मैं। लोग बाग काम नहीं कर दी। अच्छा बेस खत्म हो गया है अपना यहाँ तक। चलो वापस से भगते हुए चलते हैं इधर से। अभी गाइस मैंने एक साइड पूरी कर दी है बस, मतलब आधा बेस अपना पूरा हो गया है यहाँ तक, क्योंकि अपन बीच में दो रो नहीं लगवाने वाले हैं। दो रो की जगह पे अपनी स्टेयर्स आएंगी जिससे कि अपन ऊपर आ पाएंगे, नीचे जा पाएंगे। और अभी अपन चलते हैं उधर की साइड। और ये फाउंडेशन कौन लगा के गया भाई तो ऊपर? एक सेकंड, हु इज हियर और शी? छोड़ो अपने को क्या गाइस, ये देखो सेकंड फ्लोर रेडी हो रहा है और उसके बाद बस दो दो पे अपने थर्ड फोर्थ फ्लोर रेडी हो जाएंगे। यहाँ पे अपनी फार्मिंग होगी और माइनिंग बोल सकते हो, माइनिंग अगर अपन माइनिंग वाले लोग लगवा दें तो माइनिंग वाले भी काम कर रहे हैं यहाँ पे। अभी चलते हैं अपन चेस्ट के पास, ले जा भाई चल। और इन सामान को रखवा देते हैं, वुड इंगट और ये जितने भी फालतू सामान है मेरे पास। लेट्स गो, मेरे को इधर एक और लाइन लगवानी पड़ेगी। उसके बाद ये जिस साइड पेल बॉक्स है ना, ये वाला ब्लॉक और ये वाला ब्लॉक मैं नहीं लगवाने वाला। नहीं यार, उधर की साइड शायद ज्यादा एरिया है तो क्यों ना उधर की साइड रखते हैं। ये दोनों ब्लॉक नहीं लगवाने वाला, ये वाला एक ब्लॉक लगवा देता हूँ मैं। तो फटाफट से ऊपर चल भाई। भाई देख रहे हो तुम, ऐसे ऊपर आ जाता हूँ। इसको लगवाते हैं, आई ओ गिर जाऊंगा। एक तो लगवाते हैं और गाइज इधर भी मेरे को फाउंडेशन लगवाना पड़ेगा। नीचे फाउंडेशन कह रहा हूँ, वॉल लगवाने पड़ेंगे वरना ये पूरा का पूरा टूट जाएगा यार। चलो ये दोनों एरिया में मैं नहीं लगवाने वाला। नहीं 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 नहीं, इसमें लगवाने वाला हूँ और ये वाला नहीं लगवाने वाला। ये वाला डन, सही है। तो इस वाली लाइन को पूरा करके आते हैं पहले। ओके सही है, इसको मैं तोड़वा देता हूँ। इसको और इन दोनों को भी तोड़वा दूं क्या? नहीं अगर इधर लग, ओके लग रहा है ये, इधर नहीं लग रहा होता तो तोड़वा देता। चलो सही है। और गाइस अपनी स्टेयर्स बस इतने से एरिया में बन जाएगी तो क्यों ना इस वाले एरिया को भी कवर कर दिया जाए। बाकी देखेंगे स्टेयर्स बनाते वक्त स्टेयर्स के लिए अपने को और किन चीजों की जरूरत है। इस एरिया को कंप्लीट करते हैं अपन, रात होने वाली है वापस से। उससे पहले मैं चाह रहा हूँ मेरी सारी रूफ कंप्लीट हो जाए। और ये मैं आ गया हूँ सही जगह पे। डन गाइस, अभी अपना पूरा बेस रेडी है और ये जगह मैंने छोड़ दी है जिससे कि अपनी यहाँ पे स्टेयर्स बन सके। बाकी बहुत ज्यादा एरिया छोड़ दिया, मुझे लगता नहीं एरिया जरूरत है अपने को स्टेयर्स की। बाकी गाइस पाल्स वगैरह स्टेयर्स से ट्रेवल कर पाएंगे ना? मतलब पता पड़े नीचे ही नहीं आ रहे हूँ, क्योंकि मैं अपना पेल बॉक्स या तो नीचे रखवाने वाला हूँ या तो ऊपर। ऊपर रखवा दूंगा तो शायद ही अपने आप चले जाएंगे नीचे। बाकी अपना एरिया कंप्लीट हो गया, अभी नीचे से देखो तुम लोग भाई क्या सही लग रहा है। और क्यों ना मैं रात में टॉर्च लगवा दूं थोड़ी बहुत। और मैंने टॉर्च अनलॉक की नहीं करी है, बहुत तरीके की टॉर्च होती है, मेरे को लगा किस काम आएंगी। देखो ये वॉल टॉर्च है जिसके लिए दो वो चाहिए यार, सीलिंग लैंप चाहिए मेरे को। सीलिंग लैंप अच्छा काम करेगी मेरे जहाँ तक। बाकी और कोई नई लैंप, आइस माइन वगैरह है, ठीक है चलो लेट्स गो। मैं एक सीलिंग लैंप खोलने वाला हूँ। अरे यार इलेक्ट्रिक ऑर्गन चाहिए इसके लिए। चलो छोड़ो घर चल रहे हैं अपन पहले। गुड नाइट गाइस। चलो भाई आज के दिन मुझे बहुत सारा काम करना है, बहुत सारा तो क्या, मेनली एक और फ्लोर बनाना है। और क्यों ना मैं फार्मिंग के लिए नीचे चीजें सेटअप करवा जाऊं। अबे इनकी आंखें लाल, अच्छा इनकी आंखें लाल ही होती है, मेरे को लगा इसकी आंखें थोड़ी कमजोर सी हो रखी है, ऐसे डिप्रेस्ड होगा ये आदमी, अल्सर है इस आदमी को, अल्सर देख रहे हो, मुझे पता लग जाता है। दिल से दिल की बातें हैं गाइस, ऐसे पता लग जाती है। मेरे पाल्स है, मैंने पकड़े थे किसी दिन। ओके गाइस ये देखो कितना उजाला है भाई, यहाँ पे कितना उजाला है। और ये दोनों चीजें मुझे शायद लगे रहने देनी होगी, क्योंकि अगर ये मैंने हटाया ये एक मैं हटा सकता हूँ, बट ठीक है लगे रहने दो, क्या फर्क पड़ रहा है। अपन चलते हैं सबसे पहले ऊपर और लेट्स गो। मैं ऊपर आ चुका हूँ, इसको उठाओ। और अभी मुझे बनवाना है सेकंड फ्लोर, अभी तक शायद ही फर्स्ट फ्लोर है ना, अब सेकंड फ्लोर बनेगा। फ्लोर जिसको अपन यहाँ बनवाने वाले हैं, इसके लिए भी अपने को ऊपर जाना पड़ेगा। रुक जाओ पहले मैं अपनी सारे फ्लोर्स कंप्लीट करा लेता हूँ, उसके बाद मैं देखूंगा इसके अंदर कुछ लगाना है कि नहीं। फटाफट फ्लोर कंप्लीट करते हैं अपन। गिरता भाई गिरता, देख रहे हो इतनी मुश्किलों से खेल रहा हूँ मैं, मेरे पास कोई मजदूर भी नहीं है इन चीजों के लिए। ओके डन, इधर मैंने लगवा दिए सारी चीजें। ओ भाई रही खतरा, इनसफिशिएंट मटेरियल अलग आ जाता है, एक को लिखा हुआ। ओके चलते जाओ मत जाओ वरना मर जाओ। ओके इधर नहीं लगा सकते यार, रूफ फाउंडेशन पता है फाउंडेशन कहीं भी लग जाता है, इनके अंदर घुस के भी लग जाता है, रूफ नहीं लग पा रही इनके अंदर घुस के। चलो कोई बात नहीं गाइस, अपन ने सेकंड फ्लोर का भी आधा काम कंप्लीट कर दिया है। और क्या यहाँ पे, ओके यहाँ फाउंडेशन लग जाएगी ना। बाकी गाइस देखो अपन पेड़ के ऊपर तक आ गए, क्योंकि पेड़ अपन पेड़ कह रहा हूँ मैं, पहाड़ के ऊपर आ गए। इस पहाड़ को तोड़ नहीं सकते क्या गाइस? इस पहाड़ को तोड़ नहीं सकते, तोड़ सकते होते तो आम बन जाता अपना। कोई बात नहीं, अपन यहाँ रूफ लगवाने का ट्राई करते हैं। रूफ तो लग नहीं रहा है, लेकिन जहां जहां लग रहा है वहां वहां लगवाओ पहले, ठीक है। अब इतनी जगह पे अगर फाउंडेशन लग रहा होगा तो क्यों ना अपन फाउंडेशन लगवा दें प्रॉपर इस लोकेशन पे। फाउंडेशन अगर अपन लगवाते हैं तो यार ये नीचे तक इसकी लकड़ियां जाएंगी, फिर ये परेशान करेगा। अबे नहीं जा रही लग, लेकिन ठीक है फिर भी छोड़ो, ये गंदा लग रहा है। बाकी गाइस अब यहाँ से कूदने में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अपने ब्रीडिंग फार्म वगैरह आने वाले हैं जो कि इतनी हाइट के नहीं है, जैसे कि एक ये आ सकता है अपना और ब्रीडिंग फार्म। अबे नहीं, ओह शिट गाइस, ऑल फ्लोर्स मस्ट बी टचिंग द ग्राउंड। आ तो रहा है बट यार ये कट रहा है, तो क्यों ना इसको अपन छत पे बनवा देंगे। कोई बात नहीं यार, लेकिन मेरा मन था ना कि ये इसी फ्लोर पे बन जाता, ये कटेगा अच्छा नहीं लगेगा। रुक जाओ, और ये ऊपर भी निकलेगा, ऊपर तो नहीं निकल रहा है, तो फिर अच्छा है, ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, इतने से फर्क नहीं पड़ता गाइस। थोड़ा सा अंडा ही तो बाहर निकल रहा है, इतना तो चलेगा। चलो इसको यहाँ पे
पे छोड़ देते हैं या फिर अभी रुको कैंसिल करते हैं इसको। और मैंने अरे क्यों कैंसिल करा, रुक जाओ वापस बनवाओ इसको, यहाँ छोड़ो इसको बना छोड़ दो। अभी मेरे को अपना फ्लोर कंप्लीट कराना है तो फ्लोर कंप्लीट कराते हैं। गाइज बलदेव इज हियर, बलदेव इज वर्किंग वेरी फास्ट, कैन यू अंडरस्टैंड। ओके गाइज अपना थर्ड फ्लोर भी कंप्लीट हो चुका है और ये देखो अपना थर्ड फ्लोर ना कुछ ज्यादा अच्छी तरीके से कंप्लीट हुआ है क्योंकि थर्ड फ्लोर पे ज्यादा कुछ ऐसे तकरार आई नहीं है। और ये कितना बना हुआ है नीचे तक, ये वाला भी बनाए कि नहीं बनाए अपन, यहाँ बना सकते हैं कि नहीं, रुक जाओ एक सेकंड मुझे ये देखने दो। जैसे अगर अपन कुछ बनवाना चाहे, जैसे अपन को यही बनवाना है तो क्या अपने को वो उधर का पार्ट काम आएगा, और फ्लोर मस्ट बी टच। लेकिन ठीक है छोड़ो, अपने को इतनी सारी फ्लोर बनानी है तो इतनी कंजूसी क्या करनी, इनको छोड़ते हैं अपन, बस अपने अपने जो पाल बॉक्स का एरिया है उतना उतना कवर करते हैं इसके ऊपर। चलो और भाई कितना ऊपर आ गया हूं मैं, ये देखो तुम, उस चर्च के भी ऊपर निकलने वाला हूं और इस ये जो इतना बड़ा पहाड़ था अपने पीछे इसके भी मैं ऊपर आने वाला हूं भाई। लेकिन मेरे को डिफेंस वॉल खुलवानी पड़ेगी जिससे कि लोग बाग मारा पीटी करने यहां पे नहीं आए, ताकि अभी कोई आ नहीं रहा है। चलो अपन बनवा देते हैं फटाफट फटाफट। अभी गाइस ये मेरा कंप्लीट होने वाला है और इसको मैं दिखाता हूं अभी तुम्हें थोड़ा सा दूर से, रुक जाओ। ओके गाइस फाइनली मेरा ये कंप्लीट हो चुका है और अभी मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ इसको दूर से। और ये एक सेकंड, ये एक्स्ट्रा कैसे निकला हुआ भाई, अच्छा ठीक है इधर एक एक और लगा देते हैं, लग ही रहा है। चलो लेट्स गो अभी इन 3 2 1 भाई मैं यहाँ कूदने वाला हूँ, बस ये अच्छा सा दिख जाए ठीक है। चलो स्पीड से आएंगे एंड ये लो भाई, ये देखो तुम क्या सही लग रहा, मर गए भाई, ये देखो तुम क्या तगड़ी चीज लग रही है। और ये मेरे को तोड़वाना पड़ेगा, ये अच्छा सा नहीं लग रहा बीच में क्योंकि यहाँ पे अभी बहुत सारी चीज आने वाली है, तब ज्यादा अच्छा लगेगा। बाकी एक बार ये देख लेता हूँ मेरी कितनी वुड खराब हुई है और ये कौन आ रहा है भाई, रुक जाओ मेरे को 2-4 पेल्स निकलवाने पड़ेंगे जिससे कि इन लोगों से फाइट कर ले, वरना वापस ही मेरी वुड तोड़ तोड़ा देंगे यार। और अगर गाइस पता है वो वाली वुड टूटी ना ये वाली, तो ये जितना बेस बना हुआ है मेरा सारा चला जाएगा, सारा का सारा चला जाएगा। शिट ये लोग आ गए हैं, रुक जाओ मुझे एनोबिस छुड़वा दो जिससे कि थोड़ा बहुत यहाँ पे काम भी कर देंगी। एनोबिस कहाँ गई मेरी सारी, अच्छा ये रही ना, लेट्स गो बेटा तू गया, तू मारो रे मारो इसको मारो। थोड़े बहुत और मैंने पेल्स छुड़वा दिए, ये थोड़ा बहुत काम करते रहेंगे। अभी मुझे ये देखना है, अरे यार इन पेल्स के लिए वो भी तो लगवाना पड़ेगा मेरे को, फूड वाला, इसको बनाओ और इसके अंदर थोड़ा बहुत फूड डाल दो, फूड है ही नहीं भैया। 1649 वुड बची है, खाली 1469 जहाँ पे वुड यूज ही नहीं हुई। मुझे लगा था भाई मेरी इतनी सारी वुड यूज हो जाएगी, मेरी वुड यूज ही नहीं हुई। सही है भाई, अभी मेरे को ये और देखना है कि ये लोग है ना बेस में ऊपर जाते हैं कि नहीं। अभी मैं एक जगह की सीढ़ियां बनवाने वाला हूँ और सारा काम इनका ऊपर लगवाने वाला हूँ, इनका खाने का पॉट भी ऊपर लगवाऊंगा। लेट्स सी ये ऊपर नीचे होते हैं कि नहीं। तो इस चीज के लिए मुझे लगवाना पड़ेगा वुडन स्टेयर्स, ठीक है। और ये वुडन स्टेयर्स यहाँ लग रही है, अबे कैसे लग रहा है ये, नीचे को लगना भाई, नीचे से लगाता हुआ लाना पड़ेगा शायद मेरे को। ये क्या हुआ इस डायराउल को, ये तो मरा पड़ा, इसको ऐसे लगाते हैं अब शायद ये, अबे नहीं ऊपर निकल गया, एक और आगे है ना। लेट्स सी अब शायद ये पहुंच गया, और बिल्कुल सही भाई, रुक जाओ अब इनके लिए कुछ काम करने के लिए लगवाता हूँ मैं, जैसे कि ओर माइनिंग साइट में लगवा सकता हूँ। ओके ओर माइनिंग साइट लग रही है, अगर ओर माइनिंग साइट के लिए लोग आ गए ना भाई, रुक जाओ पहले तो बनवाने आ जाए ये, देखते हैं। बड़ी ऐसा मत करो यार, अच्छा इन लोगों को मैंने कमांड दे रखी होगी यार, इन लोगों को मैंने कमांड दे रखी ना कि ये लोग सिर्फ ट्रांसपोर्टिंग करें, तो इनकी कमांड मैं पहले हटवा देता हूँ। देखो बनवाने भी नहीं आ रहे, मतलब ये कमांड के चक्कर से नहीं आ रहे, रुक जाओ इन सबको मैं खोल देता हूँ, जाओ भाई करो काम तुम लोग। सबको मैंने फ्री कर तो दिया यार, ये ऊपर नहीं जा, शिट गाइस अबे मैं क्यों फंस गया, अरे ओके बच गए। गाइस पहुंच गए ये लोग, ऊपर पहुंच गए, पता नहीं अभी तक क्यों नहीं जा रहे थे, बट ये अभी तो ऊपर पहुंच गए। ऐसा कहीं देखा है तुमने, ऐसा होता है क्या, देखो मैं गाइस पूरा प्रॉपर मिस्त्री हूँ। तुम अभी देखो एक यहाँ पे ये लगेगा और वहां पे एक और लगेगा, बस तुम देखते जाओ, और इसमें एक फिट करना है ये, ठीक है, और इसको तोड़ो एंड लेट्स गो। ये लो बनवा दी मैंने सेकंड फ्लोर तक आने की सीढ़ियां, और तुमने कहीं भी देखा हो तो ऐसे ही होता है भाई, थोड़ा सा चलने का ऑप्शन होता है फिर वापस नीचे उतरना होता है। तो इसको भी मैं एक आगे करवाने वाला हूँ, या एक आगे करवाए नहीं करवाए, ये एक आगे सही नहीं लगेगा, ये सही लग रहा है अभी जैसा बना है। यहाँ से ऊपर जाओ फिर, ठीक है, फिर यहाँ से वापस ऊपर जाओ, और अभी जो है यहाँ से ऊपर कैसे जाएंगे ये बताओ यार, ऊपर तो वो भी नहीं लगा सकते। गाइस देखेंगे कल देखेंगे, बाकी ये लोग ऊपर आना चालू हो गए। अभी एक और टेस्टिंग मैं करवा देता हूँ कि ये लोग इससे भी ऊपर वाले फ्लोर पे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, रुक जाओ। ये लो भाई ऊपर आके ये काम करो, यहाँ मैंने ओर माइनिंग साइट लगवा दिए और शायद इसके ऊपर वाले पे ना वो बन गया होगा, तुम्हें ध्यान हो तो मैंने कुछ लगवाया था। अरे मैंने यहाँ ब्रीडिंग फार्म, ओ गाइस ये देखो ब्रीडिंग फार्म भी बन चुका है, मैंने बोला था ना ब्रीडिंग फार्म लगवाया था, और ये भी पूरा बन चुका है भाई। सही है कर रहे हैं काम, और वो उनने ऊपर जाके भी काम कर दिया है, ये लो ये कर दिया इनने काम, और ये तोड़ने भी लग गया, अभी और आ जाएंगे। आना भाई, अच्छा हंगरी है ये लोग, पहले खाना खाने दो इन्हें, रुको मैं सो के आता हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस, लेट्स गो वापिस चलते हैं फटाफट से अपने तगड़े वाले बेस पे। अब भाई ये फार्मिंग बेस नहीं रहा, ये तगड़ा वाला बेस हो गया, ठीक है। ये देखो सब लोग
फर्स्ट फ्लोर पे घूम रहे हैं। अच्छा, मैं सोचा सब लोग सेकंड फ्लोर पे आ गए, कोई बात नहीं, छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें होती रहती, मुझे जाने दो इससे ऊपर। और यहाँ पे सिर्फ एनोबिस क्यों काम कर रहा है? इसको अपन किस कोने में लगवाए? इधर लगवा देते हैं, इधर सही लगेगा। एक दो एंड तीन, यहाँ से गिर गुरा नहीं जाए पैलेस मेरे। और ये देखो गाइस, ऊपर जा रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, मतलब ये पहुंच जाएंगे अपने अपने जगह पे, दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी मेरे को इससे कनेक्ट करना है ऊपर वाला फ्लोर, जिसके लिए मुझे और रूफ बनवानी पड़ेगी, और इधर नहीं बनवानी भाई। अरे ऊपर चल ले, एक यहाँ एक यहाँ, और ये ऊपर पहुंच गए, सही है। बट यार यहाँ कैसे, ये कैसे बनेगा? ये बन तो रहा है, लेट्स गो, ये बन गया है। यहाँ और बन जाए, नहीं बन रहा यार यहाँ पे, लेकिन ठीक है, अपने को क्या, अपना काम हो गया है। अभी जो अगली रूफ बनेगी ना, अगर बनेगी तो वो यहाँ से बनेगी, ठीक है। और ये चीज कवर कैसे करेंगे तुम लोग मुझे कमेंट्स में बताओ, अगर हो सकता है तो, अगर नहीं तो फिर तो क्या ही बात। इसको अगर अपन यहाँ पे बनवा दें तो सही है, ये कवर हो तो रहा है, बट हाँ आगे फिर नहीं आ पा रहा, ठीक है। इतनी सी एरिया को इससे कवर करवाया, बट ये गंदा लगेगा मेरे जहाँ तक। हाँ वो देखो, आधा अधूरा हवा में टंगा हुआ, अच्छा नहीं लग रहा। हटवा देंगे इसको गाइस, हटवा देंगे, अभी के लिए इतना रहन देते हैं। और यहाँ पे गाइस और माइनिंग साइट लगी हुई है, जिसपे लोग बाग काम कर रहे हैं, पता नहीं नीचे से काम कर रहे हैं बट ये लोग, ठीक है। बट काम होता रहेगा, ये मैं जानता हूँ, काम होता रहेगा, ये लोग कहीं से भी काम करें। और इन लोगों ने वुड वगैरह भी तोड़ रखी है। चलो अभी अपन अपना ये वाला बेस रेडी करते हैं, पहले फर्स्ट फ्लोर रेडी करते हैं, ऊपर वाले फ्लोर धीरे धीरे करके अपन रेडी कर देंगे। अभी मेरे को इस फ्लोर पे लगवाना है अपना सारा फार्मिंग वाला मटेरियल। गाइस बेरी प्रोडक्शन में यहाँ से लगवाना स्टार्ट करने वाला हूँ, क्योंकि ये छोटे छोटे से हैं, ये इस कोने में आ जाएंगे। देखो एक दो तीन बारह, ओके डन गाइस, मैंने 12 बेरी प्रोडक्शन फार्म लगवा दिए। अभी इसके जस्ट आगे मैं लगवाने वाला हूँ टोमेटो प्लांटेशन, जो की बहुत बड़ी है यार, और इसको मैं लगवाऊंगा इस लाइन में, मैं इनको लगवाने वाला हूँ मैं एक। और इनसफिशियंट मटेरियल यार, इसके लिए पाल फ्लूइड की जरूरत है, और पाल फ्लूइड मेरे मेन बेस पे पड़ा होगा, ठीक है, ले वो भी लेके आना पड़ेगा मेरे को। मिक्सअप में लगवा देता हूँ गाइस, एक टोमेटो प्लांटेशन हो गया, और ये वीट प्लांटेशन भी सेम उतना ही बड़ा है, एक वीट प्लांटेशन हो गया, ठीक है। यहाँ एक एक लगवा देते हैं, यहाँ पे ऐसे अल्टरनेटिव तरीके से लगवा देंगे, जिससे कि अपने को किसी चीज की कमी नहीं पड़े। और बेरी प्रोडक्शन का तो इतना सारा मैंने सामान लगवा ही दिया है। चलो यहाँ पे अपन सारे पेल्स छोड़ भी देते हैं, सारे रॉबिन कुल छोड़ दो, क्या रॉबिन कुल अच्छा काम करते हैं भाई। यार इन लोगों को खाना बनवाना पड़ेगा बहुत जल्दी जल्दी, मुझे बहुत खाने की जरूरत है भाई, तुम लोग बाद में काम करना, ठीक है, पहले खाना बनाने दो इन लोगों को। चलो अभी अपना खाना बन जाएगा मेरे को जहां तक लगता है। मैंने फार्मिंग वाले सारे पेल्स छोड़ दिए, और इन लोगों ने शायद काम करना स्टार्ट कर दिया है। वाटरिंग वाला पेल नहीं छोड़ा है, अच्छा वाटरिंग ये करते तो हैं ये जुबली वाले, अरे क्या कर रहे हो सालो, कहां फंसे पड़े हो? फंसने जैसी जगह तो नहीं बनाई भाई मैंने तुम लोगों की, बट ये वीक डिप्रेस हो रखे ना, इसलिए आधा काम करते भी तो नहीं है यार ये लोग। इनके लिए मेरे को वीक डिप्रेशन का काम करना पड़ेगा थोड़ा बहुत, देखते हैं ये कैसे होगा। उससे पहले मैं चलता हूँ ऊपर की साइड और देखता हूँ यहाँ क्या चल रहा है, यहाँ कुछ नहीं चल रहा है अभी गाइस। जब तक यहाँ पे जितना भी काम हो रहा है, इतनी देर में अपन चलते हैं अपने मेन वाले बेस पे, और वहां जो वो वुड वगैरह काटने में लगे हुए हैं उन सबको बंद करवाते हैं। भाई बहुत वुड है, पहले ही बहुत वुड है, वुड काम ही नहीं आ रही इतनी, तो जितनी ये लोग काट देंगे। रुक जाओ, अरे रुक। और अब मेरे को सारी वुड कलेक्ट करनी पड़ेगी, पहले उससे भी पहले अगर कुछ एनोबिस वगैरह है तो उतर यार, मेरे को ना एनोबिस ब्रीड करवाने दो। और एनोबिस मैं ब्रीड करवाने वाला हूँ ना दो बॉस एनोबिस से, एक ये रही और एक ये रही, दोनों की यार दोनों की स्किल्स नॉर्मल नॉर्मल है, कुछ अलग और हटके स्किल होना तो मजा आ जाए। रुक जाओ, मेरे को उसके लिए इस बेस पे जाना पड़ेगा, इस बेस से मुझे ढूंढनी है बहुत तगड़ी तगड़ी एनोबिस। ओके ये अच्छी लग रही है, इसके पास एक माइनस पॉइंट है बट इसके पास एक प्लस। ओके मेरे को एक डाइट लवर वाली मिल गई, और एक ये डन, इन दोनों की मैं ब्रीड करा के देखने वाला हूँ। चलो अपने मेन वाले बेस पे, और एक ये है एक ये है, इन दोनों को उठाओ, इन दोनों के अंदर दो दो पॉजिटिव पॉइंट है, इन दोनों को यहाँ रखते हैं और ये खाना खाए, इससे अच्छा है इनको उठाओ, खाना वाना बाद में खाना तुम लोग, पहले तुम लग जाओ अपने प्रोडक्शन पे, और अपना कम से कम भी नहीं ना 10 एग प्रोड्यूस कर दो, 10 एग भाई मुझे बहुत सारे एग चाहिए इनके। भग क्यों जा रहे हैं? अच्छा दोनों मेल है, अच्छा खाना खा के आ रहे हैं। गाइस एक दिक्कत हो गई, दोनों मेल है ये, रुक जाओ शायद बॉस वालों में से कोई फीमेल हो। ओके ये वाला ले लेते हैं अपन, बॉस है, चलो लेट्स गो इधर भाई, छोटा वर्सेस बड़ा, बट ये लड़की है, आ जा भाई इधर आ जा, ये काम बाद में कर लेना तू, और तू जा इसके अंदर, लेट्स गो। इन दोनों की ब्रीडिंग चालू हो चुकी है, ये कर रहे हैं ब्रीडिंग, जब तक करते रहेंगे इसके अंदर खूब केक पड़े, करो भाई करो आराम से ना तुम, 20 निकाल दो एनोबिस भाई, बहुत चाहिए मेरे को एनोबिस, बहुत चाहिए पता है, एनोबिस की इतनी कमी है मैं क्या ही बताऊं तुम लोगों। चलो वो सब छोड़ो भाई, वुड देखो तुम, वुड कितना कलेक्ट कर रखा है इन्हें, कितना कलेक्ट कर रखा है। मेरी गैमलिंग गन का है भाई, गैमलिंग गन से जाना पड़ेगा मेरे को, इसके अंदर रखवाओ अपनी सारी वुड, वुड रख क्यों नहीं रहा, ये चार को लटाओ, वुड रख। एक है यहाँ पे, इसके अंदर 1600 वुड बना हुआ है, इसके अंदर 1400, भाई इतनी वुड तो यूज भी नहीं करी होगी, जितनी वुड मैंने वापस प्रोड्यूस करवा दी। ये भी इसके अंदर रखो, 4800 वुड हो गई अभी तक, लेट्स गो गाइस, 7000 वुड मैंने वापस से कलेक्ट कर लिए। तो चलो अभी मैं चलता हूँ फटाफट से अपने वापस बेस पे, और सीलिंग लैंप लगवा के देखता हूँ कैसी
अच्छी लगती है। जी जी गाइस सीलिंग लैंप, और ये कहाँ लग रही है? प्लेस अ सीलिंग। गाइस पता नहीं ये कहाँ लगेगी, सीलिंग क्या है? गाइस ये देखो लग रहा है भाई, एक अगर अपन यहाँ लगवा दें ठीक है, और एक अपन यहाँ लगवा दें। अपने को इसके लिए 20 इंगट्स ही जो कि अपने को कम पड़ गए। और ये चलाएगा कौन? लैंप को जलाओ तो सही। अबे इसमें से तो रोशनी नहीं आ रही। ये क्या बात हुई गाइस, इसमें से तो रोशनी नहीं आ रही है। इतनी छोटी लैंप है क्या ये? गाइस छोटी तो है, रात में देखना पड़ेगा क्या काम कर रही है। अभी के लिए उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। और इस चेस्ट को भी उठा के ऊपर रखना है यार, तो पहले एक और चेस्ट बनवानी पड़ेगी, या फिर एक काम करें इसको लगे रहने देते हैं। एक वंडरिंग मर्चेंट घूम रहा है। अच्छा ये अपना ही वाला मर्चेंट होगा, इससे अपन ये देखते हैं कि ये मेरे को पाल फ्लूइड दे दे यार। पाल फ्लूइड दे रहा है बट 300, ठीक है 14 पाल फ्लूइड मिल रहा है मेरे को, तो क्यों ना पाल फ्लूइड ले लूं मैं इससे। चल भाई इसको खरीदते हैं। और पाल फ्लूइड वगैरह बना नहीं सकते क्या अपन? यार पाल फ्लूइड बनाएंगे कैसे, ये भी सही बात। चलो छोड़ो, मेरे को फार्मिंग वाले वो लगवाने थे, अपन ये लगवाते हैं। अपन लगवा रहे थे टोमेटो प्लांटेशन, टोमेटो को इधर लगवाते हैं अपन। एक प्लांटेशन अपना यहाँ लग जाएगा ठीक है। अब टोमेटो सीड्स भी आने लग जाएंगे अपने पास, क्योंकि अपन ने 2 या 3 तो टोमेटो प्लांटेशन लगवा दिया है, बाकी ये लोग प्लांट करना चालू कर दिए हैं। और यहाँ पे वाटरिंग की जरूरत है, कोई वाटरिंग क्यों नहीं कर रहा है? इस पे वाटरिंग कर रहे हैं दो लोग, कहाँ से कर रहे हैं जरा बताएंगे आप? अरे भैया ये जब से निकाले जब से फंसे क्यों पड़े हैं? ओके मैंने सबको यहाँ से छुड़वा दिया है, लेकिन ये गाइस ग्लिच है। अगर मैं अपना गेम रिस्टार्ट करूंगा तो शायद ये यहाँ पे काम कर जाने चाहिए वापस से, पता नहीं क्या कर रहे हैं। इन दोनों को हटाओ और वापस से काम पे लगाओ, अभी भी फंसे पड़े हैं भाई ये लोग। हट दोनों, भग जाओ यहाँ से। मैं जर्मनोटाइड छोड़ दूंगा तुम लोगों की जगह, तुम किसी काम के नहीं हो। जर्मनोटाइड कहाँ, ये रहा एक जर्मनोटाइड, ये रहा मेरे पास। और एक और वाटरिंग वाला बंदा चाहिए जो ये कर देगा वाटरिंग। सही है, करो भाई करो। ओके गाइस अपना वाटरिंग वाला बंदा बाहर आ गया, और ये देख रहे हो 3 फ्लोर से भी ऊपर कट रहा है भाई, लेकिन ठीक है 3 फ्लोर इतना चलेगा, इतना कट रहा होगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऊपर निकल रहा है क्या ये बंदा? ऊपर निकल रहा है, ये देखो गाइस ऊपर निकल रहा भाई जर्मनोटाइड। तो बाकी गाइस अभी मैं इस वाले फ्लोर पे लगवाने वाला हूँ राज, जो की होगी एक इस कॉर्नर में ठीक है, और एक यहाँ आ जाएगा, एक दो एंड नेक्स्ट ही। भाई ये देखो जहाँ अपन ने मेन बेस पे 3 लगवाए थे और 3 में अपना पूरा बेस भर गया था, वहाँ यहाँ 3 एक कोने में ऐसे आ गए कि पता भी नहीं पड़ रहा। बाकी गाइज मेरे ये लोग बाग डिप्रेस्ड हो रखे हैं, इसलिए आधा काम कर नहीं रहे हैं, आधा काम कर रहे हैं तो ये लोग खाना पीना बहुत ज्यादा खा रहे हैं। अरे हट जा छाले छोटे लॉबिन कोई। एक यहाँ लग जाएगा एंड डन। गाइज मैंने 1 2 3 4 5 राज लगवा दिए, और इसके अंदर अगर मैं बहुत सारी विक्सी ला के छोड़ दूं ना तो भाई मचा देंगे वो लोग। बाकी इन लोगों ने यहाँ पे काम करना स्टार्ट भी कर दिया, ये देखो ये इसी के अंदर आ गई है। चलो भाई सही है, एक बार के लिए अपन घर चलते हैं, रात हो गई है। और वो मेरे को लैंप देखनी है भाई, लैंप क्या काम कर रही है? यार ये लैंप काम नहीं कर रही है कि ये लैंप ही काम करती है कि इसको जलाना पड़ता है, मेरे को ये नहीं समझ में आया। इसको तोड़ो, घटिया लैंप है, कोई काम की नहीं है ये। इसकी जगह तो अपन ये लगवा देते हैं माउंटेड टॉर्च, एक यहाँ लगवाओ एक यहाँ लगवाओ। ये कुछ जलेती भी नहीं है ज्यादा, और देखना उजाला देखना भी तुम क्या मस्त उजाला करेंगी ये। और ये देखो गाइस क्या उजाला किया भाई इसने। एंड वन मोर गाइस, ये देखो पूरी जगह पे उजाला हो रखा है, और इसको ढंग से लगवाना पड़ेगा। मैंने एक लाइन में लगवा दिए, अच्छा नहीं लग रहा। और ये सब भूखे हैं भाई, भाई खाना बनवा दो ना, तुम ही तो बनाओगे। मैं कहां से लेके आऊं खाना अब तुम्हारे लिए? लो खाना खा लो, बट जल्दी जल्दी ना, प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट, खाना बना दो ठीक है। ये तो खा लो तुम जो खाना है तुम्हें। बाकी गाइस आज के दिन सोते हैं, और उनका बहुत सारा टोमेटो वगैरह मेरे पास यहाँ पड़ा होगा, ये टोमेटो लेके चलता हूँ इनका। रुक जाओ कहाँ गया, वीट पड़ा हुआ है यहाँ पे। भाई तुम लोगों ने क्या करा? ओके 2 अंडे इनने दे दिए, और दो भाई और दो, रुक जाओ इनको तो मैं ले लेता हूँ। यूज रॉकी एग दिए इनने, जाओ भाई कम्प्लीट हो जाओ। ओके गाइस ये देखो इनके ऊपर क्या सही सही एबिलिटीज आ रही है ठीक है। इन दोनों एनोबिस को भी मैं यहाँ छुड़वा देता हूँ, या फिर अपने उसी बेस पे छुड़वा के आऊंगा, यहाँ रहने देते हैं। थोड़ा बहुत खाना बन रहा है, खाना बनवा दूं, या फिर एक सेकंड रुको, मुझे ना एक और प्लांटेशन उगवानी थी जो कि है लेटस प्लांटेशन। एक बन रही है, ओके इसके लिए भी पाल फ्लूइड चाहिए भाई, कितना पाल फ्लूइड चाहिए। कोई बात नहीं गाइस, बट इसके लिए भी अपने को कुछ तो करना पड़ेगा। अभी गाइस अपन चलते हैं टॉप फ्लोर पे, और मैं दिखाता हूं तुम्हें मस्त सा नजारा एक बार फिर से काम करते हुए लोगों के साथ। बट हाँ यार, अभी जब थर्ड फ्लोर पे भी सेकंड फ्लोर पे भी सब काम करेंगे ना, तब ज्यादा मजा आएगा। बट ठीक है, एक फ्लोर पे तुम काम करते हुए देख लो। ये देखो भाई, ये देखो ओ भाई क्या सही लग रहा है। अभी सिर्फ फर्स्ट फ्लोर पे काम कर रहे हैं लोग बाग, इसलिए ज्यादा बढ़िया नहीं लग रहा है। जब ऊपर भी काम करने लगेंगे ना तो गजब चीज हो जाएगी भाई, गजब। बाकी गाइस आज के लिए बस इतना ही, इसको अपन कंटिन्यू करेंगे अगले एपिसोड में, क्योंकि यार इसको बनाने में अभी 2-4 दिन लगने वाले हैं। बस एक बार ये बन जाए ना तो बहुत तगड़ा लगेगा। बाकी अगर आज तुम्हें वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए।